नमस्कार, शाम के 5 बजने को है दंगल में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। लोहिया की जन्मभूमि अंबेडकर नगर में मेरी मौजूदगी है, जहां से आज दोपहर को जन विश्वास यात्रा को हरी झंडी दिखाई गई है भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की ओर से। सिर्फ जेपी नड्डा ही नहीं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो या बीजेपी के बड़े बड़े दिग्गज नेता, यूपी के अलग अलग हिस्सों की ओर से, इन लोगों की ओर से जन विश्वास रैली निकालकर न सिर्फ योगी मोदी सरकार के कामकाज को गिनाया गया, बल्कि विरोधियों पर जमकर वार भी किया गया। एक तरफ बीजेपी जनता का विश्वास जीतने में लगी हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने नई धार और रफ्तार के साथ एक नया आरोप लगाकर मुकाबले को और ज्यादा दिलचस्प बना दिया है। आपको बताते चले कि अखिलेश यादव की ओर से आरोप लगाया गया है कि दरअसल भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी के नेताओं के फोन टैप करती है और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हर रोज शाम को उनके कुछ नेताओं के फोन को सुनते हैं। कुल मिलाकर घमासान जारी है। प्रियंका गांधी ने भी आज संबोधित करते हुए जनता के मुद्दे को उठाया और बीजेपी सरकार पर निशाना साधा, तो वहीं दूसरी तरफ बसपा के भी इस मसले पर अपने सुर हैं। इसी विषय को लेकर चर्चा की हम शुरुआत करेंगे, लेकिन उसके पहले हमारी यह रिपोर्ट देखिए। इनसे ज्यादा अनुपयोगी कोई हो नहीं सकता था जिसने उत्तर प्रदेश को बर्बाद किया। अब जैसा करोगे वैसा भरोगे, ये तो कानून तो अपना काम करेगा ही करेगा, लेकिन आपको पीड़ा इसलिए होती है क्योंकि आपका साथ सच्चे अच्छे आदमियों के साथ है ही नहीं। पूरा देश जानता है कि जहाँ जहाँ चुनाव भारतीय जनता पार्टी हारने लगती है, इन संस्थाओं को आगे करती है। इनका पोखलाट, ये चोर की दाढ़ी में तिनका की सेवाएं कुछ नहीं। जैसे जैसे उत्तर प्रदेश में चुनाव का महीना नजदीक आता जा रहा है, प्रचार में मुद्दे बदलते और बनते जा रहे हैं। सियासत में साम दाम दंड भेद से ऊपर की राजनीति चल रही है। यूपी की जनता को उपयोगी और अनुपयोगी में फर्क जानना है। शनिवार को समाजवादी पार्टी के नेताओं और समर्थकों पर इनकम टैक्स का छापा रविवार को भी जारी रहा। अखिलेश ने कल भी योगी सरकार, मोदी सरकार और जांच एजेंसियों को कटघरे में खड़ा किया था। अखिलेश ने आज भी सवाल खड़े किए, लेकिन आरोप नया था कि हमारे सभी फोनों को सुना जा रहा है। हमारे जितने भी फोन है समाजवादी पार्टी के कार्यालय के या हमारे संबंधित जितने लोग भी हैं, उनके मोबाइल को सुना जा रहा है। सबको लिसनिंग पे लगाया हुआ है और मुख्यमंत्री खुद शाम को कुछ की रिकॉर्डिंग सुनते हैं, जिनका फुल फॉर्म ही IAS है, इंडिविजुअल आफ्टर सरकार। और जो अधिकारी हैं वो ये कहते हैं हम मजबूरी में कर रहे हैं और कुछ चमचागिरी में कर रहे हैं, कुछ खुश करना चाहते हैं, आखिरी वक्त में भी खुश करना चाहते हैं। अखिलेश कह रहे हैं कि योगी सरकार उनका और समाजवादी पार्टी के नेताओं के फोन को टैप करवा रही है। दावों में कितना दम है इसकी सच्चाई पता नहीं, लेकिन उत्तर प्रदेश में अपनी सत्ता को दूसरी पारी में खेलने के लिए योगी और बीजेपी ने अपने रथ दौड़ा दिए हैं। जन विश्वास यात्रा के नाम से, जिसमें योगी भी शामिल है, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का नाम है, केंद्र में मोदी के धाकड़ मंत्री भी शामिल है। अंबेडकर नगर में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने रथ यात्रा को हरी झंडी दिखाई। मथुरा में सीएम योगी ने रथ की कमान थामी। झांसी में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बागडोर संभाला, तो बलिया में MP के CM शिवराज सिंह चौहान रथ पर सवार दिखे। कब से धर्म और कब से ये पूजा पाठ याद आने लगी? अब तो क्योंकि भारत का वोटर जाग गया है और वो भारतीय संस्कृति के जुड़ाव में गर्व महसूस करता है, इसलिए मजबूरन कोई चंदन लगा के घूम रहा है, कोई मंदिर के दर्शन कर रहा है। 20 साल में कभी देखा आपने कोई तस्वीर जिसमें अखिलेश जी किसी मंदिर में गए हो? IT के छापे एक रूटीन प्रक्रिया के हिस्से होते हैं, ऐसा तो पहली बार हुआ नहीं। क्या कांग्रेस के समय में नहीं हुआ था क्या? आखिर इनकी आय से अधिक संपत्ति का मामला बीजेपी के समय का मामला तो नहीं है, तो कांग्रेस की सरकार का समय का मामला है। और ये 5 साल के कार्यकाल में संपत्ति 200 गुना ज्यादा बढ़ जाए, ये क्या है? आप इसको जो है स्वीकार नहीं करेंगे। जनता से झूठ बोलकर हम जनता का समर्थन नहीं हासिल करना चाहते। यदि जनता का समर्थन हासिल करना चाहते हैं तो जनता का दिल और दिमाग जीत कर हम उनका समर्थन हासिल करना चाहते हैं। ये हमारे भारतीय जनता पार्टी का चेहरा। यूपी में बीजेपी 14 दिन तक अपनी रथ यात्रा से जनता का दोबारा से विश्वास जीतने की कोशिश कर रही है। सभी बड़े दिग्गज रथ पर सवार हैं। हालांकि देश के सबसे बड़े सूबे में अपनी खोई जमीन को फिर से हासिल करने के लिए कांग्रेस और प्रियंका भी पूरा जोर लगा रही हैं। रायबरेली में रण की तैयारी है। हिंदू और हिंदुत्ववादी के में जो फर्क बना रहे हैं
वो ये कह रहे हैं कि जो हिंदू धर्म सिखाता है वो यही है कि सत्य के पथ पर चलें। ये लोग सत्य के पथ पर नहीं चल रहे हैं, रोज रोज झूठ बोलते हैं, रोज रोज लोगों को गुमराह करने का काम करते हैं। तो वो ये कह रहे हैं, मैं कह रही हूँ, क्या कहा मैंने, कि आप अपनी शक्ति को पहचानो, आगे बढ़ो। अब की बार यूपी चुनाव में जहां सत्ताधारी बीजेपी एक्सप्रेसवे, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, केंद्र और राज्य की तमाम योजनाओं, योगी की कार्यकुशलता को विकास की राह में हमसफर बताकर मैदान में है, तो वहीं विपक्ष लखीमपुर खीरी में किसानों की मौत, गृह राज्य मंत्री अजय टीनी के इस्तीफे की मांग, निषाद समाज में बीजेपी का धोखा, बेरोजगारी, महंगाई, आईटी रेड जैसे मुद्दों को सरकार के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है। फैसला जनता करेगी किसमें कितना है दम। रायबरेली में मौसमी सिंह, अंबेडकर नगर से चित्रा त्रिपाठी और बिजनौर से राम किनकर सिंह के साथ कुमार अभिषेक, मथुरा आज तक।